शांति 7 अगस्त 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। आज का प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है। यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरा है, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की दौड़ लगानी है। आज का वरदान है, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना हो। आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है, यह अंतिम जन्म है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। बाबा आए हैं लेने लिए तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं, तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है, अब बाप के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। यह चक्र पूरा याद रखना है। बाप समझाते हैं, सिर्फ यह याद करो कि अब वापिस जाना है, बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है। याद की लंबी सीढ़ी है, रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा, राज्य भाग्य पाना है। इसके लिए विचार सागर मंथन करना है। यह है बुद्धि योग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है, देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया,
कितनों को कांटों से फूल बनाया। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे, इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16108 हो जाते हैं। कहा जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। उच्चते उच्च है ब्राह्मण धर्म। हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ वा रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ, क्या हम श्री नारायण को वा श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ। ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी सेवा करता हूँ। ओम शांति।